दोस्तों मेरे पास एक गाड़ी है हिमालय बुलेट, ये कोई मैकेनिक भाई के पास आया है, गाड़ी स्टार्ट होता है बंद हो जाता है, तो है इसका फ्यूल का टैंक, जो लोग बोल रहे कि पानी था, लेकिन अभी देखते हैं गाड़ी स्टार्ट कर देखा हो रहा है। तो गाड़ी स्टार्ट बराबर होता नहीं है, तो पहले इसका प्रेशर चेक करेंगे, क्या इसका प्रेशर है उसके बाद में मालूम पड़ेगा। तो इसका ऐसा बटन है दोनों भाई से दबाने का, उसको बाहर के साइड से खींच लेने का, एच डी निकल जाएगा। ये चीज़ मैं बना के लिया हूँ रेडीमेड, यहाँ पे इसको कनेक्ट किया, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेने का, इधर देखो इधर यहाँ पे ये चाबी ऑन किया ऊपर गया, वो ताबड़ तो प्रेशर है ना रिलीज हो जाता है, ये प्रेशर रुकता नहीं है। फ्यूल पंप अच्छा है, फ्यूल पंप में तकलीफ नहीं है, इसका जो फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर आता ना ये उसके अंदर मिस्टेक है, 40 PSI पे गया है, लेकिन सीधा सीधा नीचे आता है, ताकि ओपन करते हैं अपन और ये पंप चलता हूँ फिर दिखाता हूँ। ये जो चारों भाई जब पुश करने का बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल गया, प्रेशर तो है जाली का तकलीफ नहीं है, फिर भी जाली को भी क्लीन कर लेंगे। कचरा भरा हुआ है इसके अंदर, कचरे के हिसाब से इसके अंदर जाए कचरा भर गया होगा, तो फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर आता ना इसके अंदर, तो पेट्रोल वहाँ से लीकेज हो जाता है, प्रेशर तो बन रहा है लेकिन प्रेशर रुकता नहीं है, प्रेशर निकल जाता है, इसको पहले हवा मारे जाता है। ये सब इतना कचरा भरा हुआ है, इन लोगों ने टाकी साफ किया क्या किया कोई सही दिख रहा है सब, और इसको पहले हवा मारते हैं और बाद में फिटिंग का दिखाते हैं। प्रेशर तो था, प्रेशर में कोई कमी नहीं है, खाली प्रेशर रुकता नहीं है, तो ये क्या है जो फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर होता है ना उसके अंदर कचरा भर जाएगा तो वहाँ से पेट्रोल लीकेज हो जाएगा, बाकी पेट्रोल का प्रेशर में कमी नहीं है, प्रेशर तो है, पहले इसके धोते हैं हवा मारते हैं। दोस्तों ये जो मैंने बताया था ये चीज़ है वो जो पेट्रोल को रोकता है, बाकी के जो पेट्रोल लेगा निकल जाएगा, फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर यही है इसके अंदर, उसके अंदर कचरा जो फंसता ना तो वहाँ से पेट्रोल बाहर फेंक जाता है, बाहर फेंकना नहीं चाहिए, जितना जरूरत है उतना फेंकता है, बाकी अंदर वो बना के रखता है कंप्रेसर, लेकिन ये बन नहीं रहा था, कचरा बहुत था, अब इसको प्रेशर मार के लाया हूँ और फिटिंग करके देखते हैं। ये वोरिंग है, वोरिंग का खास ध्यान देने का, वोरिंग नहीं रहेगा तो प्रेशर डाउन हो जाएगा। दोस्तों पंप खोल के मैंने साफ किया, ये चालू करा लेकिन प्रेशर अभी भी कुछ हुआ नहीं, वापस डाउन होते जा रहा है, लेकिन पहले से थोड़ा सा अच्छा है, ये रुक रुक के आ रहा है, पहले का ज़्यादा झटके से नीचे आ जा रहा था, अभी थोड़ा सा रुक के आ रहा है, लेकिन तकलीफ है, वापस खोलता हूँ उसको, होल को पैक करता हूँ, क्योंकि इनको अभी खर्चा करना नहीं है, पंप निकालना है, तो उसको होल को बंद करके चेक करते हैं। हाँ दोस्तों ये गाड़ी मैंने वापस खोला, उसको प्रेशर हवा मार के लेके आया, अभी ये बराबर हो गया, ऐसा होना चाहिए, इसका फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर था तो खाली वहाँ से लीकेज था, कचरा बहुत ज़्यादा था, कचरा उधर आने के हिसाब से लीकेज था, बाकी प्रेशर में कोई तकलीफ नहीं है, कोई कमी नहीं है, प्रेशर ओके है और गाड़ी भी अभी ओके हो गई, इन लोगों ने बहुत चेक करा, अभी ये परफेक्ट हो गया गाड़ी, ठीक है। अभी गाड़ी को अपन बंद किया चाबी, तो भी प्रेशर उतने पे है, 30 PSI रुका हुआ है, ऐसा रुकना ही चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते फिर अगले वीडियो में।